संघ की बेचैनी आखिर क्या है? क्या संघ का जो एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश के सहारे ही फुलफिल होता हुआ दिख रहा था, या नई दिल्ली को कहीं ना कहीं वो चुनौती देने की कोशिश, नरेंद्र मोदी के बरक्स एक प्लान बी खड़ा करने की कोशिश जो आरएसएस की थी, वो धूमिल होती होती वही दिख रही है? देखिए अभिषेक जी, संघ का जो एजेंडा है वो अघोषित रूप से हम लोग जानते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत पर काम कर रहा है और उसे हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित करवाना है, ये उसके एजेंडे में है। अगर हम संघ के इतिहास को देखें 1925 से लेकर के और 90 के दशक तक, तो संघ को वो विश्वसनीयता भारतीय समाज में नहीं प्राप्त हुई जो वो चाहते थे या उसके बाद मिली, और उसके कई कारण रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या रहे हो जिसका आरोप उन पर लगा, या लगातार जो हिंदुत्व के नाम पर जो सवर्ण तुष्टिकरण या उनके पुनरुत्थानवाद को लेकर के जो काम करते रहे हो, तो तब तक उनको वो विश्वसनीयता नहीं मिली। जो लोकतंत्र है उसमें चूंकि सारे राजनीतिक मसले वोट से तय होते हैं, आपको चुनाव जीतना रहता है, उसी के चलते 80 के दशक में संघ ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और दलित और बिल्कुल पिछड़ों की एक गोलबंदी करनी शुरू की, और साथ ही साथ मंदिर आंदोलन को जब पकड़ा उन्होंने, तो वहां से उनकी विश्वसनीयता बनती है या उनको राजनीतिक ताकत प्राप्त होती है, और वो जमीन थी उत्तर प्रदेश की, जहां मंडल के बरक्स कमंडल की राजनीति का उभार होता है, वो केंद्र उत्तर प्रदेश का। तो उस उत्तर प्रदेश जहां पे उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई थी, वहां से जब वो आगे बढ़ते हैं तो बीच के अगर हम दौर को छोड़ दें, अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए वो विशुद्ध रूप से जहां वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हाँ मोदी जी कहते हैं कि हिंदू हम पहले हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हैं हम, बाद में बाकी सारी चीजें हैं, तो यहाँ तक का जो सफर है, और उत्तर प्रदेश को वो अगले जो 24 में उनका इरादा है या जो उनका एजेंडा हो सकता है वो है हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का, वहां पर ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश भाजपा हार जाती है तो बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को, और ये ठीक उसी तरह से मैं देखता हूं कि कल्याण सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई बहुमत नहीं मिला उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक, और 25 साल के बाद 2017 में बहुत बड़ा मैंडेट उनको मिला। अगर इस बार बीजेपी जाती है, क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति का उभार फिर से होते हुए दिख रहा है, वो पिछड़ों की एकता बन रही है, दलितों का साथ बन रहा है, और अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि में जाती है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर एक लंबा वक्त लगेगा उसे फिर से खड़े होने में। इसलिए चिंता बिल्कुल ज्यादा है संघ को कि उसके एजेंडे का क्या होगा। हालांकि 25 और 25 के बाद उसका दूसरा 2047 भी है जो उसके एजेंडे में शामिल है कि अभी नहीं तो फिर 2047, लेकिन क्या इस बार जो उसने उसकी राजनीति को लोगों ने परख लिया है पूरे तरीके से कि वो दलितों और पिछड़ों की नीतियों के खिलाफ वो राजनीति होती है, वो मजदूरों किसानों के खिलाफ राजनीति होती है, वो राजनीति हाशिए के तबके के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, और घोषित तौर पर उनकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो है ही, तो समाज के इतने बड़े हिस्से के खिलाफ आप खड़े होकर के और बोल करके घोषित करके अगर आप राजनीति करेंगे तो सफल नहीं होंगे, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किलें सामने खड़ी हो गई हैं और संघ को उस तरह से आकर के काम करना पड़ रहा है। दूसरे प्रदेशों के संघ के कार्यकर्ता आकर के डेरा डाले हुए हैं, लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अब मुश्किलें ये हैं कि उत्तर प्रदेश की जमीन फिर से सामाजिक न्याय की राजनीति की तरफ बढ़ती जा रही है और हिंदुत्व के सीधे मुकाबले में खड़ी हुई है। इस समय तमाम समुदाय इस बात को कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और उसके लिए जहां पर सपा का प्रत्याशी है उसे जिताना है, या कांग्रेस का जीतने की स्थिति में है तो उसे, या फिर बीएसपी का भी अगर है तो भी हम उसको जिताएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसलिए संघ के लिए बहुत मुश्किलें हैं इस जमीन पर फिर से भाजपा को खड़े करने की। बीजेपी की जो, खास करके आरएसएस की हम बात करें, आरएसएस की जो एक्सक्लूजन की जो राजनीति है, जो उसकी एक्सक्लूजन की विचारधारा मानी जाती है, कि वो धीरे धीरे समाज के अलग अलग वर्गों के प्रति वो उसका नजरिया अलग अलग होता है, समान नजरिया नहीं होता है। क्या यही समान नजरिया नहीं होना और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करना, सिटीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के बजाय, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भारी पड़ गया है?
जो सत्ता के सहारे जो अपने धौंस वो अपने टिकाए हुए था, वो सत्ता अगर जाती हुई दिख रही है जिससे क्या उसकी पूरी आइडियोलॉजी दरकने की कगार पर आ गई है, ये कारण तो नहीं है? देखिए, आरएसएस का जो पूरा एक छद्म बना हुआ था पिछले 100 साल में, 100 साल होने वाले हैं, कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, वो केवल सांस्कृतिक संगठन है, उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो विचारधारा उसकी है और वो हिंदुस्तान के लोगों की सेवा के भाव से है, हिंदुओं की सेवा के भाव से है, उनके गौरव को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ये जो उन्होंने लोगों को संदेश देने की कोशिश की अपने 90 साल 9 दशक में, वो मुझे लगता है कि इन 5-7 सालों में उसका पर्दाफाश हो गया है। जो सेवा भाव सो कॉल्ड होता था, वो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों ने देखा कि आरएसएस कहाँ है। इसी समय पर जब गुरुद्वारों में लंगर चल रहे थे, गुरुद्वारों में ऑक्सीजन मिल रही थी, मस्जिदों में क्वारंटाइन सेंटर बन रहे थे और लोग इंडिविजुअल स्तर पर तमाम मजदूरों की सहायता कर रहे थे, तमाम जो मरीज हैं उनकी सहायता कर रहे थे, उस समय आरएसएस छिपा हुआ था अपने खोल में। और दूसरी तरफ आरएसएस जो ये कहता था कि साहब हम तो हिंदू की बात करते हैं, वही मोहन भागवत 2015 में आपको याद होगा कि आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, वो आरएसएस जो अब ढोंग करता है भारत के संविधान के साथ होने का, जो जो आज आज तिरंगे को लगा करके उसके सम्मान की बात करता है, इस आरएसएस ने संविधान के बनने पर, तिरंगा के बनने पर क्या कहा था, इसका भी पर्दाफाश हो गया है। दलित और पिछड़े, जिनमें शायद आरएसएस को लेकर के वो बात नहीं थी, उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन इन 5-8 साल में जो डिस्कोर्स आया सामने, जिन्होंने आरएसएस की आइडियोलॉजी को चुनौती दी, आरएसएस का जो पर्दाफाश हुआ है वो दलित और पिछड़ों तक पहुंच गया है कि साहब आपने हमारा वोट तो लिया और दलितों और पिछड़ों का कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया। आप दंगों को देख लीजिए, या राम मंदिर का पूरा आंदोलन है उसको देख लीजिए, या तो उन्हें दंगों में इस्तेमाल किया गया, आंदोलन में इस्तेमाल किया गया और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन सत्ता में कहीं कोई भागीदारी नहीं है, नीतियां उनकी नहीं है, मुखौटे तो बिठा दिए गए। संघ बराबर दलितों और पिछड़ों से कुर्बानी मांगता है, उसको साबित करना है कि साहब वो हिंदू है तो उसके लिए क्या करना है, इस चीज का पर्दाफाश हो गया है। और मैं समझता हूं कि आरएसएस जब सत्ता में आया है उसके पहले एक लंबा वक्त बीता, दिक्कत होती अगर कहीं जो हिंदुत्व की राजनीति है अगर 50 और 60 के दशक में ही सफल हो जाती तो शायद वो कॉन्सियसनेस, वो संविधान के प्रति जो भाव है, या बाबा साहब ने जो संविधान में दिया उसके प्रति दलित और पिछड़ों में ये चेतना नहीं आ पाती। मंडल भी हुआ, वो चेतना जागृत हुई और दलितों में तो लगातार वो चेतना जागृत हुई, और यही कारण है कि आज भी सबसे ज्यादा अगर मुखर होकर के कोई विरोध करता है संघ का तो वो दलित है, जो अंबेडकराइट है, आदिवासियों में जो इन्होंने छल पैदा किया, उनका जो हिंदुत्वीकरण किया, आदिवासी के तो कोई उस तरह का धर्म नहीं है, वो प्रकृति पूजक है, उनका इस तरह का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने जो किया कि कहीं उन्हें बजरंगबली का पूजक बनाया, कहीं उन्होंने राम के नाम पर उनका वोट लिया और मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, ईसाइयों के खिलाफ भड़काया, खास करके आदिवासियों को, वो उनको भुला दिया गया कि जयपाल सिंह मुंडा भी कोई होते थे, और वही जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने भारत के संविधान सभा में आदिवासियों को लेकर के गहरी चिंता प्रकट की थी, उनके अधिकारों को मांगने की बात की थी, वो जयपाल सिंह मुंडा ईसाई मिशनरियों के सहयोग से ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए थे, भारत में हॉकी के खिलाड़ी बने, 1932 में उन्होंने जो हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था उसका नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने संविधान, जी बिल्कुल वही, और आज उन्हीं आदिवासियों को ईसाई धर्म के खिलाफ भड़काते हैं जिन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को बनाया था, मैं ये बात छोड़ रहा हूं। तो ये आरएसएस का जो पूरा जो प्रयोगशाला है कि आप हिंदुत्वीकरण करें, और हिंदुत्वीकरण क्या है इनका, है कि आपको मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों के खिलाफ आपको हिंदू बनाना है, अधिकार की बात नहीं होती है, दलितों और पिछड़ों के उद्धार की बात होती है लेकिन उनके सशक्तिकरण की बात नहीं होती है, समता की बात नहीं होती है, समरसता की बात होती है। क्या है समरसता? कि दलित और पिछड़े अपनी हैसियत में रहे,
उन वो केवल वोट दें। और अभी जो हो रहा है, अभी लगातार जो चल रहा है, लाभार्थी चेतना, ये क्या है लाभार्थी चेतना? ये जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, जो मुझे लगता है कि उनका ताल्लुक तो बहुत कुछ दक्षिण पंथ से ही है, वो बुद्धिजीवी अचानक एक लाभार्थी चेतना लेकर के आ गए। अरे साहब, ये चेतना कहां से आ गई है? ये दरअसल हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला ना उत्तर प्रदेश में, तो वो एक नई कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ रहे हैं कि साहब ये लाभार्थी वर्ग है। ये कोई लाभार्थी वर्ग नहीं, ये केवल प्रोपोगंडा है कि एक चेतना है। वो चेतना किसको कहां पहुंचाई जा रही है, जो प्रोपोगंडा मशीनरी गांव में है, कस्बों में है। अभिषेक जी, जिसको मैं कह रहा था कि कथावाचक जो जो पूरी मशीनरी है, उसके हाथ में ये दिया गया है कि एक लाभार्थी चेतना है, ताकि उनको, लोगों को समझाइए कि मोदी जी ने आपको, देखिए आपको राशन दिया, वरना आप तो भूखों मर गए होते। वो कभी ये नहीं कहते कि आपके शिक्षा के अधिकार को छीन लिया, आपकी नौकरियों के अधिकार को छीन लिया, आपके आरक्षण को खत्म कर दिया। गब्बर सिंह के बाद पहली बार सुनने को मिल रहा है शोले मूवी के बाद कि नमक खाने वाली बात हो रही है। यस यस, अब नमक खाने वाली बात है तो गोली भी खा, तो डायलॉग में ये भी तो आएगा ना, तो दलित तो पिछड़ा गोली खाएगा नमक नमक के बदले। ये आरएसएस के षड्यंत्र को दलित और पिछड़ा तो बहुत आराम से जान के, खास करके दलित तो बहुत सचेत है इस बात को लेकर के, और वो लड़ने के लिए आमादा है, वो लड़ने के लिए आमादा है, क्योंकि उसने जो पाया है वो तो 3000 साल में नहीं मिला ना उसको। आरएसएस का सबसे डटकर के अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो दलित है।